फिर से खबर। स्कूल के बाहर फायरिंग करके छात्रों ने रौब दिखाया। 4 से 5 नाबालिगों ने स्कूल के बाहर फायरिंग की है, यह खबर मिल रही है। छात्रों के एक गुट ने स्कूल के बाहर फायरिंग करके दहशत फैलाई है, तो भीड़ ने एक युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया है। इस युवक से पूछताछ हो रही है। मुरार के सेंट पॉल स्कूल की घटना है, जहां नाबालिग छात्र हाथों में पिस्टल और बंदूक लेकर पहुंचे और फायरिंग करने लगे। तो यहां से कुछ छात्र भागते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने एक छात्र को हिरासत में लिया और पूछताछ जारी है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता प्रहलाद सेन हमारे साथ जुड़ गए। प्रहलाद, 4 से 5 नाबालिग बताए जा रहे हैं, आखिर स्कूल में बंदूक या पिस्टल लेकर क्यों पहुंचे और एक शख्स को गिरफ्तार किया है, नाबालिग छात्र बताया जा रहा है शायद, वो क्या उससे जानकारी मिली है फिलहाल? बिल्कुल विजय जी, ये जो घटना है, सेंट पॉल स्कूल है मुरार में, बड़ा प्रतिष्ठित स्कूल है और इसके एक छात्र धीरज, वो भी नाबालिग है और उसकी कुछ बाहरी लड़कों से विवाद हुआ था, वो भी नाबालिग है। और विवाद के बाद वो स्कूल की जब छुट्टी हुई उसके बाद मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने 2-3 साथियों के साथ आया। तकरीबन इनकी संख्या 4 से 5 रही और इन्होंने आते ही स्कूल के गेट के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। सब अवैध हथियार थे, कट्टों का इस्तेमाल किया गया और बाद में जरूर जब भागने की फिराक में थे ये युवक नाबालिग जो लड़के थे, उनमें से एक को भीड़ ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिली है वो मामूली झगड़े में इतनी बात बड़ी है, तो उनके परिजनों को भी बुलाकर समझाइश दी गई है, मामला भी दर्ज किया गया है। विजय जी जी शुक्रिया प्रहलाद इस तमाम बातचीत के लिए। मुरार के सेंट पॉल स्कूल में यह घटना हुई, हालांकि पुलिस जांच कर रही है।